कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर को एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक पुलिस को विकास से जुड़े रिश्तेदारों की तलाश है। पुलिस अब तक विकास दुबे की कमाई का ब्यौरा जुटाने में लगी है। विकास की बेनाम संपत्तियों पर जांच पुलिस की जारी है। अब इन सबके बीच में पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुके कुख्यात बदमाश विकास दुबे का भाई बनकर एक शख्स है जो दूसरे पक्ष को धमकी दे रहा है। विकास मारा जा चुका है। विकास के भाई दीपक की तलाश पुलिस को है, लेकिन ये विकास का दूसरा भाई सामने आ गया है जो लोगों को धमका रहा है। इस मामले में पीड़ित ने शिकायत एसपी क्राइम राम अर्च से की है। एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र की सूर्यापुरम कॉलोनी निवासी सोनू वर्मा पुत्र प्रदीप ने बताया, बीती 3 अगस्त को मेरे पड़ोस में रहने वाले गबरू और मनु दुबे ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। ऐसे में आरोपी मनु दुबे खुद को कुख्यात विकास दुबे का भाई बताकर सोनू को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकी दे रहा है। सोनू का आरोप है, ब्रह्मपुरी थाने के दरोगा ने आरोपियों से साठगांठ कर ली है, जिससे उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही। आपको बता दें, इस पूरे मामले में विकास दुबे का नाम भी चर्चा में आ गया है, क्योंकि जो शख्स धमकी दे रहा है वो अपने आप को विकास दुबे का भाई बता रहा है। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। शिकायत के बावजूद भी पुलिस आरोपियों से साठगांठ कर रही है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।